चौटाला साहब के यहाँ पर पहुंचे। मैं बस आज चौटाला 500 रुपए एक लाइन है, मैं पूरा कर रहा हूँ। आइए सम्मानित करें, शोल दे करके आपका सम्मान बढ़ाए उन नारों की। आपको 4 साल इंतजार करने की जरूरत है। एलनाबाद का चुनाव निश्चित रूप से आपकी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, और आपकी पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे उन सब की जमानतें जब्त होगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होगा, और फिर सरकार में भगदड़ मच जाएगी, इस सरकार में खलबली मच जाएगी, गठबंधन टूट जाएंगे। जो इनके चुने हुए साथी हैं वो इनको छोड़ करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, और जब सरकार अल्पमत में रहेगी तो फिर निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे, और मध्यावधि जब चुनाव होंगे तो फिर हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार बनना निश्चित है, और जब आपकी हरियाणा में सरकार बनेगी तो उसका अनुसरण देश के दूसरे हिस्सों की सरकारें भी करेगी। सारे देश में परिवर्तन आएगा, और इस परिवर्तन का श्रेय हरियाणा प्रदेश के बहादुर और जागरूक मतदाताओं को मिलेगा। अब के मैं आपसे वायदा करता हूँ कि सरकार बनने के बाद हम हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक सरकारी नौकरी देंगे। अपने अपने सूबों में रीजनल पार्टी जो है, जो सूबे की पार्टी है, उसकी सरकार बनाए। जो लोग आपकी तकलीफें जानते नहीं, दिल्ली में बैठे हैं, कभी गांव देखा नहीं, कभी गरीब किसान की मजदूर की तकलीफ नहीं देखी, वो आपकी तकलीफ का क्या हल कर सकते। इस करके जब तक आप रीजनल पार्टी को शक्ति नहीं देंगे, उस वक्त तक आपका कुछ नहीं बनेगा। मैं इन सबको बेनती करूंगा कि रीजनल पार्टी सारे देश की इकट्ठी करे। चौटाला साहब, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ये काम कर सकते हैं, त्यागी साहब भी कर सकते हैं। जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे आपका कुछ नहीं बनेगा। इकट्ठे होने से ही आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। चौटाला साहब ने मुझे हुक्म किया था कि आप जरूर आए, मैंने कहा मैंने डॉक्टरों ने मना किया है, सेहत ठीक नहीं, पर जहां चौधरी देवीलाल जी का नाम आ जाता है तो फिर तो मुझे जितना भी भावे तकलीफ हो मैं उनके समागम में जरूर जाता हूं। तो आज के दिन की सबको बधाई, चौटाला साहब को और उसके परिवार अभय चौटाला जी को सबको बधाई, और मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो लोग आप आए हैं ये एक एक वर्कर बन जाएं, और अगली जो गवर्नमेंट है वो उन लोगों की बने जिनको आपकी तकलीफों का पता है, जो गांव में रहते हैं, गांव का किसान का मजदूर का जिनको इल्म है। इसलिए मैं ज्यादा देर खड़ा भी नहीं रह सकता, ज्यादा बोल भी नहीं सकता, मेरी इतनी हाजिरी लुआएं, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। आज भी ये वतन मुश्किल में है, आप देखिए किसान किसी का घर नहीं चाहता, किसी का हुकूमत नहीं चाहता, वो अपना हक चाहता है, कहता मुझे जो आपने कानून पास किया है वो कानून गलत है, उन कानूनों को वापस लो और फिर नया कानून बनाओ जिसमें हम आपके साथ होंगे। मगर वो उद्योगपतियों की चुंगड़ में फंसे हुए हैं और उनके लिए किसान को कुर्बान करना चाहते हैं। किसान सड़कों पे अपनी जान दे रहा है, वो बारिश हो सर्दी हो जो भी है खड़ा है वहाँ पे,
मांगता है कि मेरा हक मुझे वापस करो, मेरी जमीन की जो मैं पैदावार करता हूँ वो मेरी है और मुझे हक है, मैं किसको दूँ। मगर ये मान नहीं रहे हैं। दिन आएगा जब इनको झुकना पड़ेगा, किसान के सामने झुकना पड़ेगा। हमारे लोग पढ़े लिखे बेकार हैं और नौकरियों के वादे करते हैं। हमसे भी कश्मीर में वादा किया 50,000 नौकर लगाएंगे, आज 2 साल उन्होंने हमारा वो 370 खत्म किया, एक भी आदमी नहीं लगाया है। हम उनसे कहते हैं अरे आतंकवाद तो तुम लोग कर रहे हो, तुम देश को बांट रहे हो हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में। ये देश सबका है और इस देश सबके लिए है जो इस देश का वासी है, और उस देश के वासी के लिए जो आप झगड़े खड़ा कर रहे हैं वो बंद करो और देश को इकट्ठे करने की कोशिश करो। वो तब होगा जब तुम सबकी इज्जत करोगे, सबकी मुश्किल को दूर करोगे, तब ये देश मजबूत होगा। इसके साथ साथ आपसे कहना चाहता हूं, आपने आंदोलन करना है मगर आंदोलन पत्थरों से नहीं, लकड़ियों से नहीं। जिस तरह ने गांधी ने आंदोलन किया और अंग्रेज को यहां से भगा दिया, उसी तरह से आपने भी उस आंदोलन के लिए तैयार रहना है, उसके बगैर नहीं बनेगा। क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, कोई दिन नहीं है जब ये झूठ नहीं बोलते। आज हमने ये कर दिया, आज हमने वो कर दिया, और जब देखते हैं वहां कुछ भी नहीं है। आपके सामने भी कहते होंगे जब से हमने 370 खत्म किया तब से आतंकवाद खत्म हो गया। ये आपसे झूठ बोलते हैं। जब तक दिल नहीं जीतोगे, यही तो वाजपेयी जी में था। वाजपेयी जी ने कहा हमने दिल जोड़ने हैं और दिल जोड़ के ही हम भारत को बचा सकते हैं, जब तक हम दिल नहीं जोड़ेंगे भारत बच नहीं सकता। इसलिए मैं इनसे आज आपके सामने ये अपील करता हूँ कि दिल जोड़ने की बात करें, झगड़े छोड़ दें, और पड़ोसी कैसा भी हो, पड़ोसी आप बदला नहीं सकते। यही वाजपेयी ने मेरे सामने कहा पड़ोसी बदला नहीं सकते, दोस्त बदला सकते हो। पड़ोसी के साथ या दोस्ती में रहोगे तो तरक्की करोगे, दुश्मनी में रहोगे तो तरक्की नहीं करोगे। आज हमारे दोस्त कहाँ हैं? नेपाल को देखिए, क्या हमारा दोस्त है? क्या भूटान हमारा दोस्त है? क्या बांग्लादेश हमारा दोस्त है? क्या नेपाल हमारा दोस्त है? और जिस अफगानिस्तान के लिए हमने 3 अरब रुपया डॉलर खर्च किया, क्या वो आज हमारा दोस्त है? क्यों नहीं? क्योंकि हमने ये समझ के चले कि नहीं, बड़े भाई को एक बात याद रखनी चाहिएगी, जब तक छोटे भाई को साथ नहीं चलाएगा वो घर कभी आबाद नहीं रहेगा। हमें सबसे दोस्ती करनी है और दोस्ती करके हम लोग अपने मुल्क को चांद और सूरज से भी आगे ले सकते हैं, मगर वो तब होगा जब हम लोग इकट्ठे रहेंगे और मजहबों के और धर्मों की लड़ाई छोड़ देंगे। जब कांग्रेस पार्टी बनी थी तो जब तक महात्मा गांधी देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आए, 60 साल तक कांग्रेस पार्टी रही, लेकिन आजादी की लड़ाई अगर लड़ी तो महात्मा गांधी के आने के बाद। क्यों? क्योंकि देश की जनता ने सोचा ये है नेता, ये लेके जाएगा अंग्रेज को बाहर और हमें आजादी मिलेगी। आंदोलन तो बहुत हुए, लेकिन उन आंदोलनों में सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ वो न्याय युद्ध का था। वो कामयाब क्यों हुआ? क्योंकि एक देवीलाल जी के रूप में एक नेता सामने आया, लोगों ने कहा इसके साथ लग जाओ, 36 बिरादरी उनके साथ लग गई, वो आंदोलन सफल हुआ। कि मेरे को पहली बार चौटाला जी ने निमंत्रण दिया कि बीरेंद्र राणा भाई, इनको ये था कि शायद ये बीजेपी में मेरा नहीं आओगा, नहीं आओगा। हाँ, मेरे लिए देवीलाल जी
मैं जानता हूं, मैं 1977 में एमएलए बना और पहली बार जब उनसे मिला तो मेरे को कहते बोल वीरेंद्र तेरे को क्या चाहिए, मैं तो कांग्रेस में था। मैंने कहा जी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं बोला नहीं, तू तेरे रगों में दीन बंधु का खून है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मेरे संरक्षण में तू राजनीति में ईमानदारी से और राजनीति के अंदर सच बोल के मूल्यों की राजनीति करके आगे बढ़े। इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा आशीर्वाद देवीलाल जी ने मुझे दिया। मैं आगे भी आप मेरे को बुलाओगे तो जरूर आऊंगा, नहीं बुलाओगे तो बिल्कुल नहीं आऊंगा।